हे दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि प्रोसेस प्लांट होता क्या है। दोस्तों, आजकल आप जानते हैं कि 4G 5G का जमाना है, जो कि 10 साल के पहले कोई नहीं जानता था कि 4G क्या होता है, 5G क्या होता है, इवन ये भी नहीं जानते थे कि रैम होता क्या है। आजकल सबको मोबाइल चाहिए 4GB रैम और 64GB इंटरनल मेमोरी। दोस्तों, ये जब टर्मिनोलॉजी है, आजकल नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, तो सबको जानना ज़रूरी हो गया कि रैम होता क्या है, प्रोसेसर होता क्या है, कंप्यूटर होता क्या है, मोबाइल क्या होता है, 2G क्या होता है, 3G क्या होता है, 4G क्या होता है, वोल्टी क्या होता है। दोस्तों, तो LTE होती है एक वोल्टी। उसी तरह आजकल आप सुनेंगे आसपास में कि प्रोसेस इंडस्ट्री में मैं जॉब करता हूँ, प्रोसेस कंट्रोल पे काम करता हूँ, प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन का मेंटेनेंस देखता हूँ, मैं एक प्रोसेस इंडस्ट्री में काम करता हूँ। तो आपको जिज्ञासा होगा कि प्रोसेस प्लांट होता क्या है। आपको मैं सिंपल शब्दों में बताऊंगा इस वीडियो में कि प्रोसेस प्लांट होता क्या है, प्रोसेस इंडस्ट्री कौन कौन से है जो अपने देश में है और देश के आसपास में भी है, और ये भी मैं बताऊंगा प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन होता क्या है और प्रोसेस कंट्रोल होता क्या है। मेन जो फोकस है इस वीडियो में, मैं आपको बिल्कुल बच्चों की तरह बताने वाला हूं कि प्रोसेस इंडस्ट्री होता क्या है। तो दोस्तों, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, साथ ही लाइक बटन को हिट करके हमें मोटिवेट कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो भी, अगर बुरी लगी तो भी, इस वीडियो में हम कहां चूक गए, कैसे इस वीडियो को और बेहतर बना सकते हैं इस चैनल पे, और कौन कौन से टॉपिक को कवर कर सकते हैं, आप अपनी मन की बात जरूर इस वीडियो के माध्यम से हमें बताइएगा। देशवासियों का भी पता चलेगा कि आपका जो कमेंट है कितना अच्छा है। तो दोस्तों, आप अपने जो मन की बात है और रखिएगा नहीं, जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो नीचे लाल बटन है, क्योंकि सब्सक्राइब करने के लिए पैसे नहीं लग रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं लिख के आपको A to Z बताने वाला हूं कि प्रोसेस होता क्या है, प्रोसेस प्लांट क्या होता है और प्रोसेस इंडस्ट्री क्या होता है। सारा A to Z कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। इसमें यह भी कवर करूंगा कि प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है, प्रोसेस इंडस्ट्री क्या है और प्रोसेस कंट्रोल क्या है, वन बाई वन। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि प्रोसेस प्लांट्स क्या होता है। प्रोसेस प्लांट्स क्या होता है दोस्तों, प्रोसेस मींस क्या होता है, पहले प्रोसेस हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रोसेस होता क्या है, उसके बाद हमें प्रोसेस प्लांट समझ में आ जाएगा। एक बार प्रोसेस समझ गए तो प्रोसेस प्लांट ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। प्रोसेस मींस The method of physical or chemical change, physical or chemical change। दोस्तों, आपको कोई भी पूछे कि प्रोसेस होता क्या था, सबसे पहले आपको यही बताना है कि प्रोसेस मतलब होता है कि मेथड। प्रोसेस मींस द मेथड। प्रोसेस क्या है, एक मेथड है, एक तरीका है, क्या, फिजिकल और केमिकल चेंज का, यानी फिजिकल एंड केमिकल चेंज ऑफ मैटर। मैटर मतलब कोई भी चीज हो सकता है, मैटर मतलब होता है जैसे कोयला, हो गया, कपड़ा हो गया, कोई बात भी मैटर होती है। तो दोस्तों, मैटर मतलब कुछ भी होता है, मतलब एक पदार्थ समझ लीजिए, हिंदी में इसको बोलते हैं पदार्थ, उर्दू में बोलते हैं चीज़ें। मैटर मतलब होता है पदार्थ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये राइट। मैटर मींस होता है, मैटर समझना ज़रूरी है, मैटर मींस पदार्थ, पदार्थ कह सकते हैं, उर्दू में इसको चीज़ें भी लिख सकते हैं, चीज़ें, राइट। तो मैटर, कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज ऑफ मैटर होता है उसको प्रोसेस बोलते हैं। दूसरा एक डेफिनेशन है प्रोसेस का, ये दूसरा डेफिनेशन है। पहला मैंने आपको ये डेफिनेशन बता दिया, दूसरा मैं आपको बता रहा हूं, रिफाइनिंग रॉ मटेरियल्स टू क्रिएट
एंड प्रोडक्ट्स। दो डेफिनेशन है दोस्तों, दोनों ही करेक्ट है, जो आपको आसान लगे वो याद कीजिएगा। अब देख लीजिए कि पहला डेफिनेशन है कि प्रोसेस मींस मेथड ऑफ फिजिकल और केमिकल चेंज ऑफ मैटर। कोई भी पूछे कि प्रोसेस इंडस्ट्री क्या होता है, प्रोसेस प्लांट क्या होता है, तो आपको यह बताना है कि प्रोसेस प्लांट इज दैट टाइप प्लांट इन विच द मेथड ऑफ फिजिकल और केमिकल चेंज ऑफ मैटर। जहां भी फिजिकल और केमिकल चेंज ऑफ मैटर का हो रहा है, यानी पदार्थ जैसे कोयला आ रहा है, कोयला को पीस के पाउडर बनाया जा रहा है, पाउडर बना के उसको जलाया जा रहा है, जला के उसको पानी को गर्म किया जा रहा है, पानी को गर्म करके भाप बनाई जा रही है, भाप से टर्बाइन बनती है, टर्बाइन को चलाते हैं, टर्बाइन से जनरेटर चलता है, वो बिजली प्रोड्यूस होती है। तो जो भी पावर प्लांट्स है वो सारे क्या हो गई, प्रोसेस इंडस्ट्री है। मैं आपको अभी बताऊंगा कि प्रोसेस इंडस्ट्री में कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले यही हम समझते हैं कि प्रोसेस प्लांट क्या होता है। दूसरा डेफिनेशन देखिए, रिफाइनिंग रॉ मटेरियल्स टू क्रिएट एंड प्रोडक्ट्स, मतलब वो इंडस्ट्री जहां पे रॉ मटेरियल्स को रिफाइन किया जाता है, यानी उसको प्रोसेस किया जाता है, उसको बाद उसको क्रिएट किया जाता है एंड प्रोडक्ट्स को, जैसे बिजली हो गया, स्टील हो गया, लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, चांदी हो गया, ये सारे जो भी चीजें बनते हैं वो सारे प्रोसेस प्लांट से होके गुजरते हैं। दोस्तों प्रोसेस का आप डेफिनेशन जानेंगे, प्रोसेस वो होता है जहां पे कभी जो वो प्लांट जहां पे फिजिकल केमिकल चेंज होता है। मैं आपको अब नेक्स्ट स्लाइड में आपको आराम से बताने होंगे प्रोसेस प्लांट क्या होता है। प्रोसेस प्लांट वो प्लांट जहां पे कोई फिजिकल और केमिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है, वो प्लांट जहां पे कोई फिजिकल या केमिकल चेंज होता है उसे प्रोसेस प्लांट कहते हैं, प्रोसेस प्लांट कहते हैं। वो प्लांट जहां पे कोई फिजिकल और केमिकल चेंज होता है उसे प्रोसेस प्लांट कहते हैं। कितना आसान डेफिनेशन है, बाकी आप गूगल पे सर्च करें, यूट्यूब पे सर्च करें, इतनी आसान डेफिनेशन आपको कहीं नहीं मिलने वाला है कि वो प्लांट जहां पे कोई फिजिकल और केमिकल चेंज होता है उसे प्रोसेस प्लांट कहते हैं, या जहां पे मटेरियल को रिफाइन करके एक एंड प्रोडक्ट बनता है। मतलब ये जो डेफिनेशन मैंने आपको बताया, ये डेफिनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतना आसान डेफिनेशन आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। आपको बता दिया कि प्रोसेस प्लांट क्या होता है, वो प्लांट जहां पे कोई फिजिकल और केमिकल चेंज होता है उसे प्रोसेस प्लांट कहते हैं, और प्रोसेस मैंने बता दिया दो, प्रोसेस वो होता है, प्रोसेस मींस मेथड ऑफ फिजिकल और केमिकल चेंज ऑफ मैटर, रिफाइनिंग रॉ मटेरियल्स टू क्रिएट एंड प्रोडक्ट्स, दोनों में से कोई एक डेफिनेशन याद कर लीजिए, प्रोसेस हो गया। दूसरा आप देख सकते हैं, प्रोसेस प्लांट वो प्लांट होता है जहां पर कोई फिजिकल और केमिकल चेंज होता है उसे प्रोसेस प्लांट्स कहते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं डिटेल में कि प्रोसेस प्लांट्स कौन कौन से हैं। प्रोसेस प्लांट्स आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको मैं इजी एग्जांपल देना चाहता हूं। सब कोई यूज करते होंगे, कोलगेट यूज करता है, कोई तेल यूज करता है, कोई शैम्पू यूज करता है। सबसे बड़ी जो कंपनी आजकल है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, एफएमसीजी होते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। एफएमसीजी में आते हैं आपका एचयूएल, जितने भी क्रीम पाउडर्स आते हैं वो सारे एचयूएल के बने होते हैं, एचयूएल नॉट एचयूआर, इट्स एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, यानी एचयूएल हो गया। उसके बाद आईटीसी का बहुत सारे शैम्पू आते हैं, प्रोडक्ट्स आते हैं, वो हो गया। नेस्ले के आप लोग मैगी खाते हैं, नेस्ले के मैगी खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, उसके बाद पार्ले के बिस्किट खाते हैं, ब्रिटानिया हो गया, गोदरेज का भी हेयर डाई से आके बहुत सारे चीज़ें आते हैं गोदरेज का, गोदरेज के भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे शैम्पू आते हैं, हेयर ड्रायर आता है, एट्सेट्रा, जितने टाइप्स के फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, ये सारे प्रोसेस इंडस्ट्री है। उसमें क्या होता है, पीएलसी डीसीएस यूज करते हैं, और एक प्रोसेस जैसे पानी आता है, केमिकल्स आते हैं, सब मिला के शैम्पू बनते हैं, उसी तरह जैसे आपको मैगी बनाना है तो आटा आएगा, मैदा आएगा, तेल आएंगे, उसके बाद प्रोसेस होगा, नूडल्स बनेंगे, फिर एक
पीएलसी से उसको पैकेजिंग होगा, उसमें मसाले डाले जाएंगे, मसाले के जो पाउच होता है, तो एक प्रोसेस होता है। तो एफएमसीजी हो गया। दूसरा है पावर इंडस्ट्री, जिसमें बिजली बनते हैं। पावर इंडस्ट्री में एनटीपीसी बिजली बनाती है, उसके बाद एनएचपीसी भी बिजली बनाती है, उसके बाद डीवीसी है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, ये भी बनाती है। जितनी भी स्टेट पावर कंपनी है, स्टेट पावर प्लांट्स है वो है। उसके बाद आपको रिलायंस, अदानी तो सभी जानते हैं, रिलायंस है, अदानी है, अदानी है, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड है, जेपी है जो कि यूपी में ज़्यादा डोमिनेंट है, टोरेंट्स है, टोरेंट्स कंपनी है, लैंको है। उसके बाद आप देख सकते हैं पावर में आपको पावर ग्रिड है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। बहुत सारे ऐसे और भी छोटे छोटे पावर कंपनी हैं जो कि पावर सेक्टर में, वो भी प्रोसेस प्लांट्स में आते हैं। फर्टिलाइज़र की जितनी भी कंपनियां हैं आप देख लें, फर्टिलाइज़र जहां जहां खाद बनते हैं, फर्टिलाइज़र कंपनी ये भी प्रोसेस प्लांट्स के अंतर्गत आती है। उसके बाद आप स्टील, स्टील भी कंपनी सारे जितनी भी हैं, जैसे आप एक सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड है, JSPL है। उसके बाद टाटा स्टील है, टाटा स्टील, टाटा के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, टाटा स्टील भी एक तरह का प्रोसेस प्लांट्स में आता है। उसके बाद प्रोसेस प्लांट्स में हम देखेंगे अगला जो एग्जांपल है वो बेवरेजेस, जैसे बेवरेजेस, बेवरेजेस में आपका पेप्सी हो गया, पेप्सी हो गया, कोका कोला हो गया। उसके बाद आपको रेल नीर, रेल नीर, बिस्लेरी, बिस्लेरी, एक्वाफेना, एक्वाफेना एट्सेट्रा, जितने भी बॉटलिंग प्लांट्स हैं, चाहे वो पेप्सी का हो, चाहे वो फ्रूटी का हो, चाहे वो पानी का हो, सब बेवरेजेस में आते हैं। मतलब पीने वाले ड्रिंकिंग, जिसको सॉफ्ट ड्रिंक भी बोलते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक, ये भी सारे प्रोसेस प्लांट्स में आते हैं। पेट्रोकेमिकल्स, 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 जैसे आपको LNT पेट्रोकेमिकल्स है, जिसमें हाइड्रोकार्बन्स भी है, ONGC है, जितनी भी ऑयल एंड गैस कंपनीज है, इंडियन ऑयल है, इंडियन ऑयल है, जिसका LPG भी आता है इंडेन का, तो पेट्रोकेमिकल्स हो गए। जितने ऑयल एंड गैस की कंपनी है, ऑयल एंड गैस, जिसको ऑयल एंड गैस बोलते हैं, जो गल्फ़ कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा आप देखेंगे रिलायंस, रिलायंस भी पेट्रोकेमिकल है, जहां सबसे ज़्यादा वो पैसे कमाते हैं, रिलायंस हो गया। आजकल अदानी भी आने लगी है पावर प्लांट्स में या पेट्रोकेमिकल्स में। इसके अलावा आप सीमेंट फैक्ट्री, सीमेंट, सीमेंट फैक्ट्री, चाहे वो अल्ट्राटेक हो, अल्ट्राटेक, या अंबुजा सीमेंट, अंबुजा सीमेंट्स, ये सारे जो भी एक इंडस्ट्री है, वो सारे प्रोसेस इंडस्ट्री है। सारे प्रोसेस इंडस्ट्री में प्रोसेस होता है, और सब में प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन का इस्तेमाल होता है। अब मैं आपको बताता हूँ प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है। प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन वो होता है, वो इंस्ट्रूमेंट जो प्रोसेस इंडस्ट्री में यूज होता है। जैसे आपको प्रेशर गेज है, प्रेशर गेज प्रेशर नापने के लिए काम आता है। उसके बाद फ्लो, फ्लो, उसके बाद लेवल, किसी टैंक का लेवल पता करना हो, या टेम्परेचर, टेम्परेचर, शॉर्ट फॉर्म में टेम्परेचर लिख रहा हूँ। फ्लो हो गया, लेवल हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर गेज हो गया, चार जो है बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन है जो कि प्रोसेस इंडस्ट्री में यूज़ होता है। इसके अलावा इन्वायरमेंट के पैरामीटर्स हो सकते हैं, इन्वायरमेंट के पैरामीटर्स हो सकते हैं, उसके बाद केमिस्ट्री के पैरामीटर्स हो सकते हैं, जो वाटर केमिस्ट्री के हैं। ये सारे जो सेंसर हैं, सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे वो लेवल का हो, प्रेशर का हो, फ्लो का हो, टेम्परेचर का, सारे प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन। प्रोसेस इंडस्ट्री का आपका नाम बता दिया, जैसे NTPC, NHPC, रिलायंस, अदानी, टोरेंट्स, लैंको, JP, ITC, उसके बाद पावर ग्रिड, LNT, रिलायंस, इंडियन ऑयल, HPCL, ऑयल इंडिया लिमिटेड, एसर, टोरेंट्स, बेवरेजेस, सॉफ्ट ड्रिंक्स, पेप्सी, कोका कोला, बिस्लेरी, एक्वाफिना, रेलले, नेस्ले, ITC, पार्ले, ब्रिटानिया, गोदरेज, HUL, भूषण स्टील, जिंदल स्टील एंड पावर, टाटा स्टील, सेल, सारे जो कंपनी है वो प्रोसेस इंडस्ट्री में आते हैं। अब प्रोसेस कंट्रोल क्या होता है, वो कंट्रोल फिलॉसफी जो कि PLC या DCS
से कंट्रोल किया जाता है, वो इंडस्ट्री जिसमें पीएलसी या डीसीएस से कंट्रोल किया जाता है वो प्रोसेस कंट्रोल होता है। जो भी प्रोसेस कंट्रोल है चाहे वो पीएलसी हो सकता है या डीसीएस हो सकता है, आजकल सबसे ज़्यादा डीसीएस इस्तेमाल हो रहे हैं जो कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए पीएलसी इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों आपको पूरा पता चल गया कि प्रोसेस प्लांट किसे कहते हैं आसान भाषा में, प्रोसेस इंडस्ट्री अपने देश में कौन कौन से है, प्रोसेस कंट्रोल कौन कौन से होता है जैसे पीएलसी डीसीएस होता है, प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन कौन कौन होता है जैसे प्रेशर गेज, फ्लो लेवल, टेम्परेचर, इन्वायरमेंट, केमिकल पैरामीटर, वाटर के केमिस्ट्री के पैरामीटर, सारे इंस्ट्रूमेंटेशन जो कि प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन में आते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करना जरूरी है और लाइक करके हमें मोटिवेट कीजिएगा कि ऐसी आसान आसान भाषा में आपको सिंपल, आपको जो भी भारी कंसेप्ट है उसको सिंपल आसान भाषा में बना के आपको पास शेयर करना है, आपको पेश करना है, आपको परोसना है। तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, डू लाइक द वीडियो एंड हिट द बेल आइकन्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। मिलते हैं अगली वीडियो में, हमें रही ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय दोस्तों।